हेलो गाइस, फ्रेंडी टेक यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं संजय, आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट और आपका कंप्यूटर टीचर। दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जियो के बारे में। हाँ दोस्तों, फिलहाल एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है, या ये सच भी है, आपको जियो में अनलिमिटेड पैक रिचार्ज करने के बावजूद भी आपको अदर नेटवर्क में कॉल करने के लिए 6 पैसे चार्ज किया जाएगा। अभी वो फ्री या मुफ्त में नहीं होगा, ये सच है। लेकिन किन किन कस्टमर को वो 6 पैसा चार्ज किया जाएगा और किन किन कस्टमर को अभी से 6 पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो दोस्तों चलिए लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग, और आपको दिखाते हैं कौन कौन कस्टमर को अभी से पैसा देना पड़ेगा 6 पैसे पर मिनट के आधा नेटवर्क में कॉल करने के लिए, और कौन कौन कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग। दोस्तों हाल ही में ट्राई ने एक आईन पास किया है, वहाँ पर बताया जा गया है अगर आप किसी भी नेटवर्क में अनलिमिटेड पैक रिचार्ज करते हो तो आप दूसरे नेटवर्क में कॉल करने के लिए आपको 6 पैसे पर मिनट चार्ज किया जाएगा। एयरटेल कह लो, वोडाफोन कह लो या जियो कह लो, किसी नेटवर्क को आप यूज करते हो उसी नेटवर्क से अदर नेटवर्क में कॉल करने से ये पैसा कटेगा। अभी से स्टार्ट हुआ है 10 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है। तो किन किन कस्टमर को अभी चार्ज नहीं करेगा, देखिए ज्यादातर कस्टमर जियो का सिम यूज कर लेता है, उसमें अनलिमिटेड पैक भी रिचार्ज करते हैं इंटरनेट के वजह से। तो उन लोगों को क्या अभी से 6 पैसे पर मिनट आधा नेटवर्क में कॉल करने के लिए चार्ज करेगा? देखिए दोस्तों, अगर जियो ऑफिशियली अनाउंस किया है, अगर आप 9 अक्टूबर के पहले आपका अनलिमिटेड पैक रिचार्ज किए हो तो आपको इस अनलिमिटेड पैक के वैलिडिटी एंड होने तक कोई भी अदर्स नेटवर्क में कॉल करने के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप 9 अक्टूबर के बाद आपका अनलिमिटेड पैक रिचार्ज किया हो जियो के नंबर में, तो आपको अभी से 6 पैसे चार्ज किया जाएगा आधा नेटवर्क में कॉल करने के लिए। तो ये जो 6 पैसे चार्ज करेगा, इसके लिए आपको अनलिमिटेड पैक से नहीं होगा, ये कहाँ से होगा? आपको दोबारा अनलिमिटेड पैक के बावजूद भी और भी कुछ पैक्स रिचार्ज करना पड़ेगा। जियो ने कुछ उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है jio.com, वहाँ पर देख जाइए, आप विजिट कीजिए, वहाँ पर दिखा रहा है 10 रुपये जिस तरह पैक्स लॉन्च किया है, जो कि 6 पैसे पर मिनट हिसाब से कटेगा, उस तरह से कुछ पैक्स वहाँ पर दिए गए हैं। आप 399 रुपीज़ वाला जो पैक आप रिचार्ज कर रहे हो उसके साथ वो भी आप अटैच करके रिचार्ज कर लोगे तो आपका जो अदर नेटवर्क में कॉल है कुछ मिनट्स आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएगा ज़्यादातर से ज़्यादातर। तो ये था आज का न्यूज़, आप लोग को मैंने समझा दिया, आपको बता दिया, मुझे लगा आप लोग को बता देना चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर ऐसे सोच रहे हैं अभी से पैसा कटेगा, और कुछ कुछ कस्टमर ऐसे भी सोच रहे हैं शायद अभी नहीं, अभी कट रहा है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं मिल रहा है, बाद में बिल आ जाएगा, इस तरह सोच रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये अफवाह है, आपके पास आया है और कुछ नहीं है, आप यूज़ कीजिए। आपका वैलिडिटी अगर 9 अक्टूबर से पहले रिचार्ज किया हुआ है तो अब कोई समझने सोचने की कोई बात नहीं है, अब कॉल कीजिए, दूसरे नेटवर्क में कॉल जाएगा, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका रिचार्ज 9 अक्टूबर के बाद है तो आपको चार्ज किया जाएगा 6 पैसे, लेकिन चार्ज करेगा तभी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे नेटवर्क में कॉल ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों, मिलते दूसरे फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक बाय, जय हिंद।